है 815 जिसमें 250 यात्री मरने वाला की संख्या बढ़कर 70 हो चुकी है। मॉर्निंग मिस्टर मल्होत्रा, आपसे निवेदन है कि आप अपनी सीट पर बैठ जाएं ताकि हम उड़ान के लिए प्रस्थान करें। मैं अपनी कुर्सी पर विराजमान हो चुका हूं कप्तान साहब, बट डोंट ओवर स्पीड। आजकल वैसे भी क्रैशेस बहुत हो रहे हैं। कैप्टन सान्याल शर्मा के रूही के बाद कौन सी मूवी होने जा रही है सिनेमा घरों में रिलीज? क्या होने वाला है इस मूवी का कॉन्सेप्ट? कौन कौन से किरदार इस फिल्म में मेन लीड बने नजर आएंगे? तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीक्रैट स्टूडियोज, मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं आने वाली फिल्म फ्लाइट की। जी हाँ दोस्तों, फ्लाइट 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कोरोना काल के बाद रिलीज होने वाली फिल्मों में से फ्लाइट भी एक फिल्म होने वाली है। फिल्म की फाइट टू सर्वाइव टीम के बारे में तो आपको इसके ट्रेलर से ही पता चल गया होगा। तो अगर हम बात करें इसके ट्रेलर के रिएक्शन की, तो उसे एक यूनिक कॉन्सेप्ट के चलते काफी सराहा जा रहा है। इसके ट्रेलर पर लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स भी किए हैं और काफी कमेंट्स तो इस फिल्म के डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर हैं। अब देखना ये होगा कि क्या फिल्म फ्लाइट ऑडियंस की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी और क्या ये फिल्म एक बेहतरीन फिल्म साबित हो पाएगी। ये तो आपको खैर अभी 19 मार्च के बाद ही पता लगेगा। मोहित चड्डा तेलुगु और तमिल फिल्मों के जाने माने एक्टर है। वह कुछ हिंदी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं और अब वो अपनी नई फिल्म फ्लाइट के साथ हिंदी सिनेमा में वापस आ रहे हैं। अगर बात की जाए इस फिल्म के डायरेक्शन की, तो इस फिल्म से सूरज जोशी इंडस्ट्री में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं और ये फिल्म क्रेजी बॉयज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाई गई है। फिल्म फ्लाइट में मोहित चड्डा के अलावा पवन मल्होत्रा, जाकिर हुसैन, विवेक वासवानी, प्रीतम सिंह और शिवानी बेदी जैसे एक्ट्रेस भी नजर आने वाली हैं। शिवानी दिल्ली स्थित एक थिएटर और वेब टीवी फिल्म अभिनेता हैं और कई वायरल वीडियो विज्ञापन फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। रंगमंच की बसंत और नो वन किल जेसिका जैसी फिल्मों में छोटे छोटे किरदार भी निभा चुकी हैं। अब बात की जाए फिल्म की कहानी की, तो ये फिल्म एक आदमी के जिंदा रहने की लड़ाई को दर्शाएगी। इस फिल्म में मोहित रणवीर मल्होत्रा नाम का कैरेक्टर प्ले करते नजर आएंगे और यह पूरी रणवीर मल्होत्रा की जर्नी दिखाएगी, जिसे कि सभी बाधाओं के खिलाफ एक प्लेन यानी फ्लाइट पर जिंदा रहने के लिए कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि ये फिल्म 19 मार्च को थिएटर्स में रिलीज कर दी जाएगी। तो आप अगर इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा।